अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आज देखिए, पहले ही हमने आप लोगों से बातचीत कर ली है कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए भर भर कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने पहले प्याज काटी है, फिर अब उसको फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले व्लॉग में कि पहले तो हम केक बना रहे थे और फिर अभी केक बीच में छोड़ के उसको रख दिया आइस होने के लिए, मतलब ठंडा होने के लिए रख दिया है फ्रिज में। और फिर उसके बाद उसका डेकोरेटिंग पार्ट जो है बाद में करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो है प्याज जो है मेरी फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। हम बना रहे हैं चिकन कोरमा और शायद प्लेट में हम नज़र भी आ रहे हैं क्या। तो खैर, चिकन कोरमा बनाने के लिए पहले हमने प्याज को जो है फ्राई कर लिया है और इसको जो है, ये देखिए कितना अच्छा रेनबो कलर आया है मेरा। और इसको अभी हम पीस पीस कर लेते हैं, यानी कि लेयर लेयर काट लेते हैं। उसके बाद इसमें लगा लेंगे क्रीम और शुगर सिरप और पाइनएप्पल क्रश, ये सारी चीज़ लगा कर इसकी आइसिंग कर फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। पहले रख दिया था ठंडा होने के लिए कि जल्दी से जब तक हम प्याज फ्राई करेंगे तब तक ये ठंडा हो चुका होगा, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना है दावत का। तो दावत तो खैर इतनी कोई बड़ी सी दावत नहीं है, बस ऐसे ही कोरमा बनाएंगे, रोटी चा और पुलाव बनाएंगे, साथ में ये केक बना ले रहे हैं। और हान का बर्थडे है तो जाहिर सी बात है केक बना लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कि वैसे तो अजहान की दावत हमने कर दी थी, गए थे तंदूरी, वहाँ पर सबको खिला पिला दिया था, लेकिन घर की बात दूसरी रहती। हालांकि अम्मी बार बार कह रही थी घर पर करो, सबको बुलाओ, लेकिन गर्मी मेरे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती, नया घर बना है, उसके अलावा अगल बगल घर नहीं है, इस वजह से पूरा सुबह से लेकर रात तक धूप रहती है। उस धूप की वजह से बिल्कुल तंदूर बन चुका होता है घर। और इधर लाइट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहले तो बहुत तकरीबन 15 से 20 दिन हो गया हमको लाइट के लिए कोशिश करते हुए, कई लोगों से बात किया, लाइन मैन एक मिला भी, उससे बात किया कि ऑनलाइन करवा दे, लगवा दे, मेरा एक और लग जाए कनेक्शन। तो जब एक कनेक्शन और लग जाएगा तो एक लाइट नहीं धीमी है तो दूसरी लाइट तेज़ रहेगी, तो उससे मेरी एसी चल जाया करेगी, लेकिन एसी नहीं चल पाती है। और इस बीच देखिए, हम भूल गए थे कि हमको इसमें पाइनएप्पल क्रश भी डालना था क्रीम लगाने के बाद, तो पहले हमने धीरे से ऊपर वाली लेयर हटाई है और फिर उस पर पाइनएप्पल क्रश डाला है और फिर उसके ऊपर दूसरी वाली लेयर रखी। तो खैर, हम बता रहे थे कि लाइट की वजह से ऐसा हो जाता है, लाइट रहती है, ऐसा नहीं लाइट नहीं रहती, लेकिन इतनी तेज़ लाइट नहीं रहती है कि सारे मेहमान लोग का एक साथ सारा चीज़ कवर कर सके, मतलब कई रूम का चल सके एक साथ। तो जब तक सब जगह का कूलर और एसी नहीं चलेगा तो फिर परेशानी हो जाएगी, ओवन नहीं चल पाता है ठीक से, फ्रिज बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती, फ्रिज तो मतलब ठंडी हो जाती है, लेकिन जब ज़्यादा लोग हो जाए, ज़्यादा काम हो जाए, बार बार खुलेगी तो जाहिर सी बात है उसको तेज़ लाइट चाहिए होती। हालाँकि हमने लगवाया हुआ स्टेबलाइज़र, लेकिन फिर भी लाइट असल में धीमी आती, जहाँ से हम लोगों का कनेक्शन हुआ है वो काफ़ी लंबा पड़ गया है, तार जो है केबल बहुत लंबा है, इस वजह से लाइट बहुत धीमी हो जाती। तो खैर, अल्लाह की मर्ज़ी है, जब तक अल्लाह ताला ने जिस तरह जिस हाल में रखना लिखा हुआ है वो साल में इंसान को रहना है, कितनी भी वो कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सी कोशिश की है कि सारी चीज़ परफेक्ट हो जाए, अल्लाह का शुक्र रहे। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान है, ऐसा नहीं है, आराम से रात भर सोते हैं, लाइट पंखा रहता है, कूलर चलता रहता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दोपहर में धूप काफ़ी तेज़ होती है और घर जब तंदूर बन जाता है तो उसमें सिर्फ एसी ही काम करती है। तो इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने एसी में ठंडा का उठाना नहीं लिखा है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा तो अल्लाह की मर्ज़ी है, नहीं होगा तो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। और शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी नहीं।
तो खैर यहाँ पर मेरा तो इसलिए हमने वहाँ तंदूर होटल में जो है रेस्टोरेंट में दावत की थी और घर पर नहीं किया था, तो यहाँ पर मेरा चिकन धुलकर हो गया रेडी। सैमा से कहा जल्दी से चिकन धो दो, तो खैर सैमा ने चिकन धो दिया है। और हमने जो है जो प्याज फ्राई की थी उसको ग्राइंड कर लिया, साथ में उसमें खशखश मिलाया और साथ में जो है मेरे खशखश के साथ गरी मिलाया, ये तीनों चीज़ ग्राइंड किया है। और यहाँ पर तेल में हमने डाला है सबसे पहले लहसुन अदरक, फिर उसमें डाला है चिकन, और उसके बाद डाला है सारे मसाले यानी कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च काट के डाला। लाल मिर्च पाउडर हमने कश्मीरी पाउडर डाला है, उसमें जो है और कोई ऐसा मतलब लाल मिर्च। ये नानी लाई है मेरे लिए कपड़ा, ये शर्ट और ये पैंट, और ये आया है अम्मी का कपड़ा, नानी लाई है ये भी, और यहाँ पर नानी फूल भी लाई है। अभी सब लोग आएंगे तो हमें पहनाया जाएगा। और यहाँ पर ये मिठाई, और यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं रायता, उसके लिए लिया है पुदीना और साथ में हरा मिर्चा, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा पाउडर और इसमें डालेंगे काला नमक। और मिट्ठू मेरा जो है ना, जब भी हम वॉइस ओवर करने चलते हैं मिट्ठू बोल बोल के सता लेते हैं। चीनी भी हमने डाला है क्योंकि दही थोड़ी सी खट्टी है। और पुलाव जब हम बना रहे थे तो हमको नहीं याद आया वीडियो बनाना, और जल्दी जल्दी बना रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था, तो सारा प्रोसेस जो सब कुछ ख़त्म हो चुका तब हमको याद आया, ऊपर से अजहान भी नहीं थे तो इस वजह से और भी नहीं याद आया। यानी अजहान से कह देते हैं तो वो वीडियो बना लेते हैं, और स्टैंड में लगा कर सही से वीडियो नहीं आ पाती, असल में गैस भी वहीं पर रखी रहती है, वहीं पर स्टैंड भी, तो हमको इतना कम्फर्टेबल नहीं रहता। तो खैर यहाँ पर मेरा पुलाव हो गया रेडी, और अब हम जो है यहाँ पर आइसिंग मेरी खूब अच्छी सी हो गई है, और मिट्ठू मेरा जो है आप लोगों को बैकग्राउंड में मिट्ठू मिट्ठू सुनाई देगा, तो इसके लिए जो है माफ़ी चाहते हैं क्योंकि काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि ये चुप हो जाए तब हम बनाएं, लेकिन ये बोलते ही जा रहे हैं और टाइम काफ़ी हो गया, यानी कि रात भी नहीं बन सकी और अभी ये दोपहर का टाइम हो गया, अभी हमको अपलोड भी करना होगा। नहीं अपलोड कर सकेंगे तो फिर आप लोगों को मिल नहीं सकेंगे, आप लोग देखेंगे नहीं तो आप लोग जो है हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और मेरे चैनल को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और मेरा केक थोड़ा सा जो ना एक साइड पे हो गया, मतलब केस इस पर देखिए थोड़ा सा खसक गया ना, एक किनारे पर हो गया, उस टाइम हमें पता नहीं चला, बाद में अभी देख रहे हैं तो मेरा एक किनारे हो गया। तो आइसिंग करने में काफ़ी टाइम लगा, फिर उसको साफ़ साफ़ बिल्कुल जब तक आपका चिकना ना हो जाए तब तक आप करती रहिए, आपको कोई जल्दी नहीं मचानी है कि नहीं और लोग तो इतनी जल्दी बना लेते हैं कैसे बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं ना, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत है। और हमने तो कहीं से सीखा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं से सीखा हो, बस YouTube देखकर या फिर ऐसे शॉर्ट्स देखकर ये सारी चीज़ें हमने बनानी सीखी है कि कैसे कैसे बनाना चाहिए, और बस अपनी कोशिश से करते करते आखिरकार इंशाल्लाह ताला इतना तो परफेक्ट हो गया है कि लोगों को पसंद आ सके। और इस पर हमने बनाया है पाइनएप्पल जेल, और इसको हम जो है इस पर फैला देते हैं, और चारों तरफ भी फैलाना है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे फैला देते हैं। असल में हम इस पर अभी लगाएंगे चॉकलेट, और फिर जो टूथपिक से ऐसे से खसका कर डिज़ाइन नहीं बनाते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाला, वैसा बनाएंगे, कोशिश यही है, दिमाग में वही है कि उसे वैसे ही बनाना है, बस उम्मीद करते हैं कि वैसा ही बन जाए। और ये ड्रिपिंग हो गई है, लेकिन जेल सोचा था कि ज़्यादा ना बने, क्योंकि इससे पहले जब हमने जेल बनाया था मेरा जेल बहुत सारा बन गया था और वो बचा रह गया था, फिर वो फेंक गया था तो इतना सारा नुकसान हो गया था, तो अभी जब हमने कम बनाया तो वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि नीचे का आप देख रहे हैं इतना अच्छा नहीं ढका है, मतलब मेरी वाइट क्रीम जो है दिख रही है, लेकिन ऊपर वाली लेयर अच्छी है। और ये आ गई मामी लोग, हाय औरान, औरान आए करो, हेलो, हाँ ले, और औरान आ चुका है, आज औरान ये केक बनाया ना, औरान औरान हेलो करो, हाँ हेलो, टॉफी भी लाई है, और यहाँ पर छोटी मामी माजा लाई है, और ये केक चोको पाई वाला। फिर हमने जो है चॉकलेट मेल्ट की और उसमें थोड़ी सी हमने क्रीम मिलाई है, क्योंकि उसको गनाश बनाने के लिए क्रीम भी मिलाते हैं, तो हमने इतनी क्रीम भी मिलाई है, लेकिन जब हमने इसको ये किया ना आइस लेयर, मतलब ये राउंड राउंड लगाया, और उसके बाद जब हमने कहा कि लाओ इसको कर लेते हैं, ये देखिए मेरी वो जो है चॉकलेट जम गई, पता नहीं कैसे होता है, पता नहीं कैसे मेरी हर बार जम जाती है। खैर अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि हम इसको हटाते और मेल्ट करते और इसमें कुछ और ट्राई करते, क्योंकि सारे मेहमान आ चुके थे, आप लोग ने देखा सब लोग आ चुके हैं, औरान भी आ चुके हैं, तो औरान के लिए तो बना ही रहे हैं, तो बस अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि खाना भी लगाना है और बच्चों को खिलाना भी, और बच्चे तो इसी के इंतज़ार में। तो
ये हम ऐसे करके देख रहे थे कि देखो ये नहीं हो पाया। और इसके बाद फिर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पहले हमने बड़े बड़े से बड़ा बड़ा सा काफ़ी ज़्यादा नोज़ल्स बड़े बड़े से निकाल कर बॉर्डर बनाया है कि ये थोड़ा सा हैवी लगने लगे, हालांकि हाफ़ के जी का है, अच्छा खासा बड़ा सा बना है। और फिर एक बड़े बड़े फ्लावर जो है इसके ऊपर रख दिए हैं। और फिर इसके ऊपर हमने कहा सायमा से कि तुम इस पर मोती एक वाइट वाली रख दो एक एक फ्लावर के ऊपर, और जब तक वो मोती रखती हैं तब तक जो है हम इसकी लाइन कर लेते हैं। जो चॉकलेट बची है इसको अब हम ख़त्म कर लेते हैं, ऐसे ये लाइन बना देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। हालांकि अब वो जो चीज़ ख़राब हो चुकी हो उसको सही करने में, मतलब पहले ये ऐसे पूरी लाइन जाती, फिर हम उसको टूथपिक से ऐसे ऐसे लेकर आते। आप लोग देखे ही होंगे, जिन्होंने शॉर्ट्स देखा होगा उनको पता होगा, या केक जो ख़रीदते होंगे बेकरी से उनको पता होगा कि कौन सी डिज़ाइन हम कह रहे हैं। तो खैर जैसा भी था हो गया, लेकिन अंदर का रेनबो वाला मेरा पहली बार वाला फ़र्स्ट ट्राई था और नया भी था, वो हमने कहीं से देखा नहीं था, अपने दिमाग से बनाया था और हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और जब हमने इसकी पीस की, आप लोगों को दिखाएंगे अभी आगे, जब हमने इसकी पीस की तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। ले लो, अरे मामी आपका मुँह आ जाएगा, ले लो। राम देखो शाल भाई क्या दे रहे, अरे लो हाथ में पकड़ो, खेल क्या रहे हो। थैंक यू बोला शाद भाई को, थैंक यू, थैंक यू बोलो शाद भाई को, हाथ मिलाओ, हाई फाई करो, हाई फाई तो यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है। और ये चिकन कोरमा है, साथ में खीरा है, अभी मिठाई लेकर आई थी वो है, और सब तैयार ही आपको देखी। देखें जो मास्टर हैं वो भी गलत पढ़े हैं, वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने अब्बा को बुला, अम्मे मुझे पानी पीना है। अब्बा को बुला लो, पानी दे। अच्छा अच्छा बुला नहीं, देखो अल्लू तुम इधर चलो, क्या मिली यहाँ बैठो यहाँ पे। आया पिया क्योंकि हम लास्ट में बिल्कुल रोटी पकाने में लग गए थे, और जब इन लोग आए तो हम वीडियो नहीं बना सके। अजहान ने बनाया तो बहुत सारी चीज़ें अजहान ने स्किप कर दी। एक तो आफिया पहली बार घर पर आई थी तो उसका आना इंटर होना अजहान ने थोड़ा मतलब देर तक बताते दिखाते नहीं दिखाया, तो फिर हमने ये छोटी छोटी फ़ोटो इनकी जो क्लिक हुई थी ये सारी फ़ोटो हमने लगा दी आप लोगों को दिखाने के लिए कि आफिया मेरे घर पहले आई थी। और उसका बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है। और मेरी प्यारी सी बिटिया को अल्लाह ताला बहुत ही अच्छी उम्र दे, लंबी उम्र दे और बहुत ही अच्छा बनाए। अरे ऐसे मत, ऐसे मत करो, निकालिए उसको, क्या हो गया, चलो खाओ। तो ये देखिए केक कट होने के बाद ये देखिए अभी सफाई से नहीं दिख रहा, हम एक पीस और काट देते हैं क्योंकि चॉकलेट सारी अंदर चली गई है। अभी एक पीस और काटते हैं तो आप लोगों को हाफ ऑफ करके दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है ना, बस थोड़ा सा कलर हमको और मिलाना चाहिए था क्योंकि पहली बार था तो डर डर कर हम ट्राई कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे अच्छा होगा, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़।